हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक पिंडी पिजन क्लब में। उम्मीद करता हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। और ये वीडियो का सेकंड पार्ट है जिसमें मैंने आपको बताया था कि ब्रीडर सेटअप के लिए जो बाजरा मैं यूज़ करता हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास बहुत अच्छी ब्रीडिंग होती है। अभी वो बच्चा ऊपर बैठा दिया, नहीं तो मैं आप लोगों को चेक करवाता कि वो बच्चा किस तरह का पल है। बहुत सिंपल सा बाजरा डालता हूँ, तकरीबन सारे बंदे यही डालते हैं, लेकिन मैं पूरा सीज़न ये सेम यही बाजरा डालता हूँ। खाली सर्दियों में एक दो चीज़ों में इसमें चेंज करवाता हूँ और आप लोगों को मैं दिखा सकूँ, तो ये आप लोग चेक करें। बाजरा इसमें सूरजमुखी के बीज, कनक, दाल दाना, काली चनी, खुरदम और सरसों डली हुई है। सरसों में सर्दी गर्मी यूज़ करवाता हूँ। बाकी इस बाजरे से अल्हम्दुलिल्लाह मेरे कबूतर तो फिट एंड फाइनल हैं। बहुत से दोस्त कहते हैं कि कबूतर बीमार हो जाते हैं या कुछ, असल में आप इस परिंदे को जिस चीज़ पे लगाएंगे इसने उसी चीज़ पे लग जाना है। अब बहुत से बंदे रोटी डालते हैं, अब मैं सुबह फर्स्ट टाइम में इनको गरम रोटी डालता हूँ और फिर इनको बाजरा डाल के और अपने ऑफिस चला जाता हूँ, और शाम के टाइम पे फिर इनको बाजरा पानी जो होता है वही। अब आप बाजरा चेंज करेंगे एकदम से, लाजमी सी बात है कबूतर का गला ख़राब, पोट रोक देना उसने, काफ़ी मसले मसाइल बनते हैं। और कोशिश करें कि बाजरा आप एक ही शॉप से लें, जहाँ बहुत अच्छा और ज़बरदस्त साफ़ सुथरा बाजरा हो, आप वही बाजरा यूज़ करें। बाकी अब जैसे ये बाजरा है, इसमें आप देख सकते हैं इसमें सारी चीज़ें मौजूद हैं। खुरदम, ये जो खुरदम होता है ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है कबूतर के लिए ब्रीडर सेटअप में। इससे इंशाल्लाह आपका कबूतर कभी भी बुध डालने से नहीं जाएगा, ये बहुत अहम करदार है इसका, खुरदम का। और काली चनी है, इससे भी बच्चा बहुत अच्छा पलता है, मींस के जो बच्चों को ये फीड करवाते हैं कबूतर अपने, तो उससे बहुत ज़बरदस्त रिज़ल्ट आता है। बाकी सूरजमुखी का बीज है, वो भी इनके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। और सरसों तो आप लोगों को पता है कि सोना है एक किस्म का कबूतर के लिए। बाकी मकई जो है वो मकई थोड़ी बहुत मुनासिब में यूज़ करवाता हूँ, ज़्यादा नहीं यूज़ करवाता, उससे ये है कि बच्चे का वज़न ठीक रहता है, बच्चे वज़न में ठीक रहते हैं, फिर आगे आप जैसे उनको मारेंगे वो उसी तरह सेट हो जाते हैं। बाकी मैं जो इकट्ठा बनवाता हूँ 15 से 20 किलो तक का बाजरा, उसमें मेरा ये होता है कि 10 किलो बाजरा होता है, 3 किलो उसमें कनक होती है, और 1 किलो उसमें ये सूरजमुखी के बीज, 2 किलो दाल दाना, और 1 किलो उसको क्या कहते हैं सरसों, 1 किलो एक्स्ट्रा चनी मैं ऐड करवाता हूँ उसमें, और जो मकई होती है वो तकरीबन 1 किलो आधा किलो के तकरीबन मैं इसमें ऐड करवा देता हूँ। बाकी ये उड़ने वाले कबूतरों को भी मैं सेम बाजरा डालता हूँ। अभी आप चेक करें, ओके फ्रेंड्स, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। वीडियो को लाइक करें।